नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे साढ़े साती शनि की साढ़े साती प्रभाव में आती है। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं कि शनि की अगर कुदृष्टि किसी पे पड़ जाए तो वो इंसान जीवन भर दुखी रहता है। तो हम आपको शनि की साढ़े साती के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। शनिदेव से तो हर कोई भलीभांति परिचित है। परिचित इसलिए है क्योंकि हर इंसान शनिदेव को खुश रखना चाहता है, क्योंकि जिस इंसान पर शनिदेव प्रसन्न होंगे उसके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। लेकिन अगर शनिदेव किसी इंसान से नाराज हो गए तो समझ लें कि उनके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। वह जो भी काम करेंगे उसमें उसे असफलता ही नसीब होगी। शनि की नाराजगी कई प्रकार की होती है, उसी में से एक है साढ़े साती। जी हाँ, साढ़े साती जिस इंसान पर होती है तो मानो उसका भाग्य जैसे कभी था ही नहीं। तो चलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर शनि की साढ़े साती कब प्रारंभ होती है। ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साती की मान्यताएं तीन प्रकार से होती हैं। पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन से और तीसरी या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की साढ़े साती की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह बाद तक अनुभव होता है। साढ़े साती के दौरान शनि जातक के पिछले किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से लेता है जैसे एक घर के नौकर को पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है उसी प्रकार से सजा शनिदेव भी हर प्राणी को देते हैं। ज्योतिष ये मानता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती कुदृष्टि में होती है वो व्यक्ति अपनी ये साढ़े साती के दौरान परेशान रहता है, कष्ट में रहता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।